हेलो, मैं हूं सचिन और स्वागत है आपका क्राफ्टन स्टूडियो कोर्स के पहले लेसन में। इस वीडियो में हम क्राफ्टन स्टूडियो पीसी वर्जन के इंटरफेस और कंट्रोल्स को अच्छे से समझेंगे, जिसके बाद आप भी फ्री फायर में अपना एक यूनिक मैप बना सकोगे। अगर आपने अभी तक अपने पीसी में क्राफ्टन स्टूडियो सेटअप नहीं किया है तो आप मेरी इस वीडियो को देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। क्राफ्टन में अच्छा मैप बनाने के लिए आपको इसका इंटरफेस और कंट्रोल्स अच्छे से समझने होंगे, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। क्राफ्टन स्टूडियो ओपन करने से पहले पीसी को इंटरनेट से कनेक्ट कर लेना, नहीं तो क्राफ्टन स्टूडियो ओपन नहीं होगा। इंटरनेट से कनेक्ट करने के बाद क्राफ्टन स्टूडियो ओपन हो जाएगा, उसके बाद आपको इंटरनेट की जरूरत नहीं है। क्राफ्टन स्टूडियो ओपन होने पर कुछ ऐसा मेन्यू आएगा। प्रोजेक्ट मैनेजर में आपके बनाए सारे मैप्स होंगे। न्यू प्रोजेक्ट से हम एक नया मैप बना सकते हैं। गेमप्ले टेम्पलेट में आपको पार्कौर और क्लैश स्क्वाड जैसे कुछ टेम्पलेट्स मिल जाएंगे, जिसमें पहले से कुछ रूल्स सेट किए हुए होंगे। अभी के लिए बेसिक टेम्पलेट से एक मैप सिलेक्ट कर लेते हैं। अब अपने प्रोजेक्ट को एक अच्छा सा नाम दे देना। उसके बाद लोकेशन सिलेक्ट करना मत भूलना। यहाँ जिस फोल्डर को सिलेक्ट करोगे वहीं पर आपका प्रोजेक्ट फाइल सेव होगा। क्रिएट करते ही मैप एडिटर ओपन हो जाएगा। सबसे पहले हम मैप एडिटर के कंट्रोल्स को सीख लेते हैं। मैंने यहाँ पर की स्ट्रोक भी ऐड कर दिया है ताकि आप देख सको कि मैं कौन सा की दबा रहा हूँ। यहाँ नीचे सारे कंट्रोल्स दिए हुए हैं, पर मैं एक एक करके सबको एक्सप्लेन कर देता हूँ। राइट क्लिक होल्ड करके आप किसी भी डायरेक्शन में देख सकते हो। स्क्रोल अप से आगे जाओगे और स्क्रोल डाउन से पीछे। स्क्रोल व्यू को प्रेस एंड होल्ड करके ऊपर या नीचे जा सकते हो। सेम कीबोर्ड से भी कंट्रोल कर सकते हो, बस पहले राइट क्लिक होल्ड कर देना और अब WASD से मूव कर सकते हो। क्यू से नीचे और ई से ऊपर जा सकते हो। चलिए अब मैप में ऑब्जेक्ट ऐड करते हैं। लेफ्ट साइड में आपको ऑब्जेक्ट मेन्यू मिल जाएगा। माउस को यहाँ लाने पर एक एरो आ जाएगा, जिसे पकड़कर हम ऑब्जेक्ट मेन्यू को बड़ा कर सकते हैं। इसी तरह साइड से भी बड़ा कर सकते हो। यहाँ हमें सारे ऑब्जेक्ट्स मिल जाएंगे। किसी भी ऑब्जेक्ट को मैप में लाने के लिए बस लेफ्ट क्लिक होल्ड करके ड्रैग कर देना। अब आप इसे जहाँ चाहो लगा सकते हो। और जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को मैप में ऐड करेंगे तो वो यहाँ ऑब्जेक्ट मैनेजर में आ जाएगा। किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने पर राइट साइड में उस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज दिखेगी और हम यहीं से इन प्रॉपर्टीज को चेंज भी कर सकते हैं। जैसे विजिबिलिटी को ऑफ करने के बाद ऑब्जेक्ट गायब हो जाएगा। यहीं से हम इसके पोजीशन, रोटेशन या स्केल को भी चेंज कर सकते हैं। और हर ऑब्जेक्ट की अपनी अलग प्रॉपर्टी होती है। जैसे वेपन लेने के बाद यहाँ से इस वेपन के डैमेज या रेट ऑफ फायर जैसे प्रॉपर्टीज को चेंज कर सकते हो। टॉप राइट कॉर्नर में कुछ ऑप्शंस हैं। मूव सिलेक्ट करने के बाद सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट में तीन एरो आ जाएंगे। इन एरो की मदद से हम ऑब्जेक्ट को मूव कर सकते हैं। रोटेशन सिलेक्ट करने के बाद ऑब्जेक्ट के चारों तरफ तीन सर्कल आ जाएंगे, जिसकी मदद से हम ऑब्जेक्ट को रोटेट कर सकते हैं। स्केल सिलेक्ट करने के बाद हम ऑब्जेक्ट के साइज को बड़ा या छोटा कर सकते हैं। इन ऑप्शंस को सिलेक्ट करने के शॉर्टकट कीज यहां दिए हुए हैं। क्यू से सिलेक्ट मोड ऑन होगा, W से मूव, E से रोटेट और R से स्केल। पिविट से सेंटर करने के बाद हम ऑब्जेक्ट के सेंटर से उसके स्केल या रोटेशन को चेंज कर सकते हैं। ग्लोबल से लोकल करने के बाद हम ऑब्जेक्ट के रोटेशन के हिसाब से ऑब्जेक्ट को मूव या रोटेट कर सकते हैं। ग्लोबल सिलेक्ट करने पर ऑब्जेक्ट का वाई हमेशा ऊपर होता है, लेकिन लोकल सिलेक्ट करने के बाद ऑब्जेक्ट का वाई ऑब्जेक्ट के हिसाब से ही होगा। नेक्स्ट ग्रिड ऑन करने के बाद ऑब्जेक्ट मूव करने पर ग्रिड आ जाएगा। उसके बाद आप कैमरा स्पीड को अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। लास्ट में अलाइनमेंट ऑन करने के बाद ऑब्जेक्ट सेट डिस्टेंस पर मूव करेगा। इसके साइड से ड्रॉप डाउन मेन्यू को ओपन करके हम अलाइनमेंट सेटिंग को अपने हिसाब से रख सकते हैं। अगर हमें ऑब्जेक्ट को दो ब्लॉक डिस्टेंस पर मूव करना है तो मूव में दो लिखना होगा। अगर आप चाहते हो कि ऑब्जेक्ट रोटेट करने पर हमेशा 90 डिग्री रोटेट करे तो यहाँ 90 लिख देना। इसी तरह स्केल की वैल्यू भी सेट कर सकते हो। अब ऑब्जेक्ट आपके सेट किए हुए वैल्यू पर मूव करेगा या रोटेट करने पर ऑब्जेक्ट 90 डिग्री रोटेट करेगा। सारे कंट्रोल्स को देख लेने के बाद चलिए अब हम मैप के कुछ बेसिक गेमप्ले सेटिंग्स को देखते हैं। ऊपर मॉड्यूल का बटन मिल जाएगा, जिससे हम मॉड्यूल मैनेजर में आ जाएंगे। यहाँ से हम गेम के रूल्स को अपने हिसाब से बदल सकते हैं। जैसे प्लेयर के सेटिंग्स में आके आप प्लेयर के HP, स्पीड या डैमेज को अपने हिसाब से बदल सकते हो। टीम सेटिंग से आप चुन सकते हो कि आपके गेम में कितने टीम्स होंगे और हर टीम में कितने प्लेयर्स होंगे। मैकेनिज्म पैरामीटर में बहुत सारे ऑप्शंस हैं। यहीं पर आपको अनलिमिटेड एमओ, अनलिमिटेड ग्लू वॉल या कैरेक्टर स्किल्स को ऑफ करने का ऑप्शन मिलेगा। वर्कफ्लो से हम गेम के राउंड या टाइम को अपने हिसाब से रख सकते हैं। यहाँ टाइम सेकंड में होता है और हम मैक्स एक आवर का ही मोड बना सकते हैं।
इसी तरह बहुत से गेम प्ले सेटिंग्स हैं जिसे मैं फ्यूचर के वीडियोस में कवर करूंगा। अनलोडेड में भी कुछ इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स हैं जैसे इकोनॉमी से हम अपना कस्टम शॉप क्रिएट कर सकते हैं। एडिट करके स्टोर में हम अपने हिसाब से कोई भी आइटम रख सकते हैं। चलिए अब मैं आपको वेंडिंग मशीन में अपना बनाया हुआ स्टोर सिलेक्ट करके दिखाता हूँ। सबसे पहले ऑब्जेक्ट से वेंडिंग मशीन सर्च करके मैप में ऐड कर देते हैं। अब राइट साइड वेंडिंग मशीन की प्रॉपर्टीज दिखेगी, इसी में कस्टम शॉप का ऑप्शन होगा। यहाँ हम अपना बनाया स्टोर सिलेक्ट कर सकते हैं। अब मैप को टेस्ट करने के लिए ऊपर प्ले बटन पर टैप कर देना। मैप को टेस्ट करने के लिए पीसी इंटरनेट से कनेक्टेड होना चाहिए, नहीं तो टेस्ट मोड ओपन ही नहीं होगा। टेस्ट मोड एक दूसरे विंडो में ओपन होगा जिसमें आप अपने मैप को टेस्ट कर सकते हो। यहाँ पर जितने नंबर ऑफ क्लाइंट सिलेक्टेड होंगे उतना ही विंडो ओपन होगा और हर विंडो में एक प्लेयर होगा जिससे हम मल्टीपल प्लेयर्स के साथ मैप को टेस्ट कर सकते हैं। क्राफ्टन पीसी एडिटर के नेक्स्ट लेसन में हम ब्लॉक स्क्रिप्ट एडिटिंग को समझेंगे और एक प्लेयेबल मैप बनाकर पब्लिश करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में।